नमस्कार, लोकल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जिले की सर्वश्रेष्ठ किसान प्रेम की कहानी सुनिए, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, लोकल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम सब पहुँचे हैं जिले के रोहतास जिले के सर्वोत्तम किसान प्रेम जी के इंटीग्रेटेड फार्मिंग हाउस पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलेंगे कि आप दिखाइए। जलज जी हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज से आए हुए हैं, और ये फिशरी के क्षेत्र में बिहार में जाने माने वैज्ञानिक माने जाते हैं कृषि वैज्ञानिक के रूप में। इधर अजय यादव जी जो कृषि विज्ञान केंद्र के सदस्य हैं, और फिर हम इधर बात करते हैं आपको, ये हैं जिले के सर्वोत्तम किसान प्रेम जी, और ये हमारे गार्जियन जो तिलौथू प्रखंड के वयोवृद्ध किसान जिन्हें किसानी की बहुत सारी अनुभव है उम्र के इस पड़ाव में। तो आइए हम जिले के सर्वोत्तम किसान प्रेम जी से जानते हैं इनके इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। हाँ प्रेम जी, बताइए कैसे आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग को इस रूप में ढाले और यहाँ तक पहुँचे। हम यहाँ पे सबसे पहले पिताजी रिटायर किए थे, तो 1985 में एक तालाब कटवाए थे, जिससे हम लोग को तालाब का तो थोड़ा अनुभव था ही, लेकिन हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में जाके और इसका ट्रेनिंग जब लिए तो हमको लगा कि इसको भी एक अपना माने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक हमारा ये भी बहुत बढ़िया आधार हो सकता है। तो हमने क्या किया कि पैसा के अर्निंग के लिए फिर हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के प्रेरित करने पर हम लोग कलकत्ता साल्ट लेक सिटी में 10 दिवसीय ट्रेनिंग करने गए, जो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद अपना मछली को एक साल उत्पादन किए, तो हमको लगा कि हम खेती से 2-4 गुना अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि बहुत हमारे पास आलू होने वाला खेत था, तो हम इसको कटवाना शुरू किए, तो लोग कहते थे कि अरे ये तो लड़का लगता है कि पूरा खेत बर्बाद कर देगा, लेकिन जब हम मछली का उत्पादन करना शुरू किए तो अब हमारे देख रेख में हमारे देखा देखी बहुत लोग मछली का कारोबार करने लगे, और हम करीब करीब अभी 8 साल से 10 साल से इसमें मछली में अभी हम रेगुलर काम कर रहे हैं। उस मछली के ही हम इनकम से और कृषि विज्ञान केंद्र के टेक्निक के सहयोग से हम लोग फिर बटेर का काम चालू किए, उसका फिर फटाइल अंडा उत्पादन का चालू किए, फिर बच्चा का उत्पादन चालू किए, फिर उसके बाद हम कड़कनाथ मुर्गा मंगाए, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। पहले रांची कृषि विज्ञान केंद्र में आया, वहाँ से अनुसंधान केंद्र में आया, वहाँ से फिर हम लोग अधौरा में आया, वहाँ से हम लेके आए यहाँ, और इसका भी हम फटाइल अंडा उत्पादन करना चालू किए, उसका भी बच्चा हम पर सप्ताह 600-700 उत्पादन करके मैंने 2-4 स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग ट्रेनिंग लेने गए थे, तो वहाँ मालूम चला कि एक हमारा बिहार गवर्नमेंट का योजना चल रहा है, जो कि सरकार का बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बढ़िया योजना था, जो कि हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हम लोग उस योजना को अप्लाई किए, जिसमें हमको इस लेयर फार्म जो आप देख रहे हैं इसमें 14 लाख रुपया का सब्सिडी हमारा सरकार के द्वारा है, जिसमें हमको 7 लाख मिल चुका है और 7 लाख मिलना बाकी है। तो ये हम फिर लेयर फार्म चालू किए, जिसमें हमारा अभी 4600 पर डे का अंडा का उत्पादन हो रहा है। खर्च मेरा लगभग बिक्री मेरा 23,000 का होता है लो, और 12 से 13,000 खर्च गिरता है। अभी हमारा जो अभी का जो इनकम है रोज़ का मैंने 8,000 रुपया का बचत इनकम मेरा चल रहा है इस फॉर्म से, एक फॉर्म से, और मेरा मछली का है जो आपको दिखाएंगे, मेरा गाय का है, कैसे हम हैचरी का काम करते हैं, कैसे कड़कनाथ करते हैं, कैसे फीड का उसका बचत करते हैं, कैसे हम तालाब में अब एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि जो कि मछली और पशु का फीड हम पानी में उत्पादन करके उसको चालू करें, और नर्सरी भी हम तालाब में ही डालें, जो नर्सरी डालने के लिए किसान बहुत सारा खेत को बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करते हैं, तो उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि पानी में नर्सरी डालना और पानी में फीड उत्पादन करना, उस पर हम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो 10 दिन के बाद दिखेगा। अभी डाले हुए हैं, हमारा जर्मिनेट होना शुरू हो गया है, हाइड्रोपोनिक का सिस्टम हम पानी में चालू कर रहे हैं, ये मेरा आगे का सोच है। और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि 10
10 लोग काम करते हुए कैसे 2 लाख रुपया महीना किसान कमा सकता है, उसका मॉडल को तैयार कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, और एक हम बटेर का मांस भी पैक किए हैं जिसको आपको हम दिखाएंगे, 20 दिन पहले पैक हुआ है। और ये सब चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। हमारे अथी प्रधानमंत्री का जो सोच था कि इनकम को 2 गुना, तो हम लोग 10 गुना करने में लगे हैं। और हमारे CM का भी था कि हर थाली में एक व्यंजन हो, उस व्यंजन के लिए हम बटेर का, कड़कनाथ का पैकिंग चालू किए हैं। हो सकता है कि 2-4-10 स्टेट में जाए और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर आलोक भारती और हमारे RK जलद सर और ये हमारे सुहाने सर जो हैं, बार बार 2-3 बार आन के हम लोग को बहुत आने से उन लोग को ऊर्जा मिलता है, हम लोग को उसके चलते हम लोग को बहुत प्रोत्साहन दिए कि आप आगे कीजिए, हम लोग का सहयोग रहेगा, इसी से हमको एनर्जी मिलता है। और हम इस काम में कृषि के इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम काम कर रहे हैं, और टेक्निकल के लिए हम लोग को कुछ भी होता है तो कृषि विज्ञान केंद्र को हम लोग टच करते हैं। देखिए, जिले के सर्वोत्तम किसान प्रेम जो बता रहे थे कि किस तरह से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर जो है कि धान और गेहूं से 4 गुना ज़्यादा पैसे की उगाही कर सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत समेकित कृषि का विकास होता है, जैसे कि मछली उत्पादन, बटेर पालन और कड़कनाथ मुर्गा पालन, ये लेयर फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, सारे फार्मिंग इन्होंने कर रखा है। और आगे इनका ये प्लान है कि हम फीड का भी उत्पादन करेंगे, जो यहाँ पर जितने भी मछली हैं, बटेर हैं या गाय है, सारे जानवर और इन जीवों के लिए फीड का भी उत्पादन हम स्वयं करेंगे। और इन्होंने प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल इस नारे को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है और कर भी रहे हैं। आइए अब हम विशेष जानकारी लेते हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज से आए हुए हैं RK जलद जी, जो फिशरी के कृषि वैज्ञानिक हैं। हाँ जलद जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। जी नमस्कार, मैं वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास का वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान के रूप में भी कार्यरत हूँ। तो हमें इस ज़िला में प्रेम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समेकित कृषि प्रणाली में के तहत। इनकी जो भी तकनीकी समस्याएं होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज रोहतास के वैज्ञानिक दूर करते हैं। तो इनके जैसे और किसान कैसे और बने, एक प्रेम कुमार नहीं, इस ज़िले में 10 प्रेम कुमार बने, वो कैसे बने, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयासरत है। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल अनवरत जारी हैं, चाहे वो मशरूम पालन पे हो, मशरूम उत्पादन पर हो, बटेर पालन पे हो, बकरी पालन पर हो, मछली पालन पर हो। इसके अलावे एक योजना जो हमारे यहाँ चलती है उसमें है कि जलवायु अनुकूल मौसम की कैसे खेती करते हैं, सभी जो है समेकित कृषि नहीं कर सकते हैं सभी किसान, तो वैसे किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम शुरुआत की है उसके अंतर्गत पूरे ज़िले में 5 गाँव में 400 एकड़ में जो गेहूं की जो खेती की जा रही है वो ऊपर रेस्ट बेड उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, उसके तहत की जा रही है। 0 टिलेज जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत की जा रही है। हैप्पी सीडर के द्वारा भी हम लोग खेती करवाने की कोशिश इस बार किए हैं और बहुत सफल भी हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगभग 162 एकड़ क्षेत्रफल में हैप्पी सीडर से गेहूँ की बुआई की गई है। उस कार्यक्रम के तहत दूसरे फसलों पर भी ध्यान दिए जा रहे हैं। देखिए, जल जो है वो सीमित है, भूमि सीमित है, उसका अधिक से अधिक दोहन किया जाए और उसको संरक्षित रखा जाए, जो आगे आने आने वाले जो हमारे जो जनरेशन्स हैं उनको वही उत्पादन मिले जो आज मिल रहा है। तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र प्रयासरत है। आप अभी देखे प्रेम कुमार जी को, कृषि विज्ञान केंद्र इनके जैसे कई सारे किसान और प्रयास कर रही है कि इस ज़िले में बने, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इनके यहाँ भी कई लोग हम लोग प्रशिक्षण दिलवाते हैं किसानों को। जैसे किसान प्रेम जो ज़िले के आइकॉन है किसानों के लिए, तो क्या आप को लग रहा है कि बिहार के भी किसानों के आइकॉन बन सकते हैं आइकॉन? जी ज़रूर, हमने पहले जितने भी ज़िले देखे हैं, वर्तमान में मैं यहाँ हूँ रोहतास में, लेकिन इसके पहले मैंने 3 जिलों में भी काम किया है, तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में समेकित कृषि पालन की जितनी इकाइयाँ इनके पास है, और अगले 6 महीने में इनके पास बायोफ्लॉक भी आ जाएगा, इनके पास पैकेजिंग आ जाएगा, इनके पास फीड बनाने के जो चारे उत्पादन आ जाएंगे, तो इतना बड़ा कोई भी किसान आज तक इतने साथ एक किसान अकेला आदमी चलाने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये सफलतापूर्वक इसको कह रहे हैं। और बिहार
के जो जितने भी किसान हैं उनमें नंबर वन किसान है समेकित कृषि में। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इनका हमने राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार के लिए अप्लाई किया हुआ है, एनजी रंगा कृषक अवार्ड जो मिला जाता है। हमें उम्मीद है कि इस साल जो है इनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जो है कृषि विज्ञान केंद्र इनको दिलवा पाए और इनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो, बिहार नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम हो। जैसा कि किसान प्रेम को बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा किसान श्री का पुरस्कार या सबौर कृषि मेला में दिया जा चुका है, इनको पुरस्कारों से नवाजा गया है और आपका प्रयास है कि राष्ट्रीय स्तर पर इनको पुरस्कार मिले जी। हमारी बिहार सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री प्रेम कुमार से, डॉक्टर प्रेम कुमार से बात हुई थी, उन्होंने स्वीकार किया था कि किसान प्रेम को हम बिहार का आइकॉन बनाएंगे बहुत जल्द ही, लेकिन अब तक ऐसा उधर से प्रस्ताव नहीं आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आइकॉन ये खुद हैं, सरकार इनको क्या बनाएगी, ये किसान के आइकॉन हैं, बने हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग जानेगा, तो आज हम लोग यहाँ इसी सिलसिले में आए हुए हैं। इनका हम एक सक्सेसफुल सफलता की कहानी जो बनाती है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और उसको यूट्यूब पर डालते हैं हम लोग, तो इनकी आज स्टोरी बन रही है, वीडियोग्राफी के लिए आई हुई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की मीडिया टीम और सभी यूनिट जितने भी इनके पास हैं उन सभी की वीडियोग्राफी होगी और मार्च में आप सभी लोग, जिले के लोग इसको यूट्यूब पर कहीं भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा जो बनाई हुई स्टोरी है उनका व्यू जो है नंबर्स ऑफ व्यू आप कहिए 10 लाख लोग तक उसको देखते हैं एक एक वीडियो, और लगभग जो है 100 के आसपास किसानों का वीडियो हम लोग बनाकर किसानों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं और ये आइकॉन बिहार सरकार के द्वारा निश्चित रूप से बनेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बनेंगे। धन्यवाद। बोलिए भैया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICR बोलते हैं उसके तहत सदस्य के नाते मैं कृषि मंत्रालय के सदस्य सलाहकार सदस्य के नाते ICR का जो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास है जिसका विक्रमगंज में मुख्यालय है, पूरे बिहार में 43 कृषि केंद्र हैं, मैं झारखंड और बिहार का जो कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र है उसके सलाहकार सदस्य के नाते मैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जैसे कि RK जलज जी जिला कृषि केंद्र पदाधिकारी रोहतास ने जिस प्रकार फिशरीज के में एक्सपर्ट हैं, फिशरीज के माध्यम से जिन्हें प्रेरणा मिली प्रेम जी को, और उसके बाद 7 सदस्यीय जो कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज में है 7 सदस्यीय साइंटिस्ट लोग हैं हर क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, तो उससे प्रेरणा मिलने के बाद प्रेम जी ने जो कदम उठाया और आज इस रोहतास जिले के किसानों के आइकॉन बने हुए हैं। मैं प्रेम जी के प्रेरणा से और इस ज़िले के मत्स्य के क्षेत्र में और बटेर के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र के में, अंडा के क्षेत्र में जिन्होंने एक ऐसे सराहनीय कदम उठाए हैं और जिनकी प्रेरणा से मैं चाहता हूं कि रोहतास ज़िले में अन्य सैकड़ों किसान इस प्रेम जी से प्रेरणा लेकर, और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि लोकल फॉर वोकल, आज इस जिला कृषि केंद्र पदाधिकारी श्री RK जलज जी के द्वारा आज यहाँ आना और बीच बीच में आकर के श्री प्रेम कुमार जी को प्रोत्साहित करते रहते हैं, ऐसे में मैं इसे रोहतास ज़िले के सभी किसानों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में भी आप अपने को भी समय देने का और इस प्रकार का कार्य योजना को भी सफल बनाने में, ताकि अपने जीवन यापन का और लोकल में किसानों का हित के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद।